विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। अब नंदी के समक्ष बहुत बड़ी कठिनाई के रूप में एक अंतिम परीक्षा शेष थी। उन्हें प्रभु महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आना था, जिसके लिए अब देवराज इंद्र बालक नंदी का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। एग्जाम के माध्यम से प्रभु श्री हरि नारायण मुझ तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। हे बालक नंदी, आप प्रभु महादेव का सानिध्य अवश्य प्राप्त करेंगे, किंतु उसके लिए आपको पूर्ण रूप से योग्य होना होगा। योग्य? आप उस आम के फल के समान हैं, जो अपने वृक्ष से झड़ तो चुका है, किंतु अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। बालक नंदी, ये फल तो सृष्टि की ऊर्जा से पक ही जाएगा, किंतु आपको परिपक्व होने के लिए तप की शक्ति की आवश्यकता होगी, और ये आपकी अंतिम परीक्षा होगी, क्योंकि वो तपोशक्ति ही आपको महादेव के समक्ष प्रस्तुत होने के योग्य बनाएगी। और जब आप योग्य होंगे, प्रभु महादेव स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत होकर आपको अपने दर्शन प्रदान करेंगे। उचित है इंद्रदेव। फिर तो नंदी जी ने वही प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ कर दी होगी ना लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, नंदी जी तो पूर्व से ही महादेव की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनकी भक्ति को मात्र एक दिशा चाहिए थी, किंतु अब उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब प्रभु को उनके वैराग्य से बाहर लाने की चुनौती। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए, और इतने महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने का तो एक ही उपाय है, प्रभु महादेव की तपस्या। क्योंकि तप करने से ही प्रभु महादेव के साथ सीधा संपर्क स्थापित होता है ना लंकेश? हाँ, नंदी जी ने तो मात्र अपने पिता से एक अनुमति प्राप्त कर वही वन में आम वृक्षों एवं बेल पत्रों के मध्य प्रभु के मंत्रों का जाप कर अपनी तपस्या आरंभ की। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं नमः शिवाय पूर्वारुकमिव बन्धनां शीमामृताः ॐ नमः शिवाय त्र्यम्बकं यजामहे नमः शिवाय सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं नमः पूर्वारुकमिव बन्धनां पुत्र नंदी, मेरी तो यही कामना है कि तुम अपने तप से इतनी शक्ति प्राप्त करो कि स्वामी अपने वैराग्य से बाहर आकर कैलाश लौट आए और कैलाश की उदासी दूर हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाथ, मेरी तो एक ही आशा है कि प्रभु महादेव के प्रति नंदी की भक्ति की एकाग्रता से नंदी शीघ्र ही अपने तप के चरम पर पहुँचे और प्रभु महादेव से जुड़ाव स्थापित कर इस असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करे। स्वामी,
नंदी तो इस प्रकार तप में लीन है कि वो चीटियों के बांबी से पूर्ण रूप से घिर चुका है और उसे इस बात का आभास तक नहीं है। मेरी तो यही आशा है कि वो अपनी तपोशक्ति से इस व्यवधान को भी पार कर प्रभु महादेव से संपर्क साधने में समर्थ होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः नंदी अपनी तपोशक्ति से प्रभु को शीघ्र प्रसन्न और प्रभावित कर उन्हें उनके वैराग्य से बाहर ला सके, यही कामना है मेरी। ओम नमः शिवाय। नंदी ने तो अपनी एकाग्रता से अपनी तपोशक्ति प्रभु तक पहुंचा दी है, फिर प्रभु के मनोभाव में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? वो अपने वैराग्य से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाथ, मुझे बताने की कृपा करें कि जब नंदी की इतनी अनुपम भक्ति है कि उसकी तपोशक्ति बांबी रूपी बाधा को भी पार कर महादेव तक पहुंच गई, तो फिर अब उसकी भक्ति में ऐसा क्या शेष रह गया है कि अभी भी महादेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं है? ओम नमः शिवाय, महादेव ने नंदी का तप स्वीकार कर लिया है। अब शीघ्र ही नंदी की अंतिम परीक्षा भी सफल होगी। वपुधराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः।
नंदी। भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल्याण हो, कल्याण हो। अंततः स्वामी के मुख पर मुस्कुराहट लौट ही आई। प्रभु को उनके सखा का सानिध्य प्राप्त हो ही गया। नंदी, मेरे सखा, चल, चल, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया। स्वागत का आयोजन कीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। महादेव स्वयं नंदी का हाथ पकड़कर कैलाश की ओर ला रहे हैं। एक भक्त के लिए भला, इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। अपनी भक्ति की एकाग्रता से महादेव के साथ संपर्क बनाकर वो उन्हें उनके वैराग्य से बाहर ले आए। नंदी ऐसा अनूठा वरदान प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता को पूर्व में ही प्रमाणित कर चुका था। ऐसे ही एक परम भक्त की प्रतीक्षा थी महादेव को। वहां प्रभु की प्रतीक्षा समाप्त हुई और यहां मेरी और कैलाश की, क्योंकि एक दूसरे के बिना तो हम अधूरे हैं। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य, जब पिताश्री के साथ नंदी जी के आगमन से समस्त कैलाश आनंदित हो गया होगा। इतना विशाल हृदय है मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ का। इतना साधारण तपस्या के परिणाम स्वरूप इतना महान वरदान प्रदान किया, और यही नहीं, निरंतर नंदी पर अपनी कृपा वर्षा करते रहे। बांबी से निकलकर वहां पहुंचे नंदी का अभिषेक उन्होंने पंच नद को उत्पन्न कर करवाया। सखा नंदी, कैलाश में तुम्हारा स्वागत असाधारण अभिषेक से होगा, जिसके लिए पंचनद अर्थात पंच नदियां स्वयं उत्पन्न होकर करेंगी। इन पंच नदियों के नाम हैं चतोदका नदी, तिस्त्रोता नदी, वृषध्वनि नदी, सोनोदका नदी,
एवं जम्बू नदी। नंदी के अभिषेक हेतु जो पंच नदियां उत्पन्न हुई हैं, भविष्य में जो भी उनके पावन जल में स्नान कर भक्ति भाव से नंदी की स्तुति करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और जिस प्रकार नंदी के कैलाश में आगमन से आनंद तरंग उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार इन नदियों की पावन जलधारा से सूखी बंजर भूमि को अपने जल से सींचकर सभी को आनंदित करेगी। नंदी, मैं तुम्हें अभी और वरदान प्रदान करने का इच्छुक हूं। आज से तुम समस्त शिवगणों के अध्यक्ष होंगे। एक और वरदान देता हूं तुम्हें, मरुत की पुत्री सुयाशा से तुम्हारा विवाह होगा। और ये तृतीय वरदान है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तुम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा कैलाश में ही निवास करोगे और तुम्हारे समस्त पितरों के साथ तुम्हारे पिता को भी कैलाश में स्थान प्राप्त होगा। और तुम मेरे स्वामी जगत पिता महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आए, तुम उनके सहायक बने। उनके साथ तुमने एक पिता पुत्र का संबंध स्थापित किया, इसीलिए आज से तुम मेरे लिए एक पुत्र के समान प्रिय रहोगे। पिताश्री और माँ का इतना अपार स्नेह पाकर उनसे इतने वरदान प्राप्त कर तो नंदी जी कृतार्थ हो गए होंगे। लंकेश, उनके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। हाँ, फिर भी उन्होंने प्रभु से और वरदान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रभु, मुझे मेरे बाल्यपन से सदैव ऋषभ बुद्धि के नाम से संबोधित किया जाता है और आज मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके साथ सदैव रहने वाली इस पताका पर यह वृषभ अंकित है। महादेव की इस पताका पर अंकित ये वृषभ का चिन्ह धर्म का प्रतीक है। तो प्रभु, आपकी इस पताका पर सदैव स्थित रहने वाले वृषभ के समान मेरी भी यही इच्छा है कि मैं सदैव आपके साथ हूँ। प्रभु, आपने मुझे महानतम वरदान प्रदान किए हैं, किंतु मुझे एक वरदान और दीजिए कि मैं सदा आपका वो सखा बना रहूं जो सदैव आपके साथ रहे, जिसके साथ आप अपने विचार बांट सके। मैं आपका वो वाहन बनना चाहता हूँ जो इस धर्म वृषभ के समान सदा अडिग रहकर आपकी सेवा करे। मैं आपका वो भक्त बनना चाहता हूँ जो सदैव आपकी भक्ति हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत रहे। आपके इस भक्त और आपके मध्य अन्य कोई भी ना आ सके। प्रभु, तथास्तु नंदेश्वर, तथास्तु नंदेश्वर, तथास्तु नंदेश्वर।
सदाशिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जो जन्म भूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदिका दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्वामी की वो मुस्कुराहट जिसको देखने के लिए मैं ही नहीं समस्त जगत व्याकुल हो उठा था, वो स्वामी के चेहरे पर लौट आई। नमः शिवाय। लंकेश, अब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रभु महादेव के शिवलिंग एवं नंदी जी की मूर्ति के मध्य किसी को कोई स्थान क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इस प्रकार नंदी जी शांत भाव एवं पूर्ण एकाग्रता से सदा प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और उनकी भक्ति सीधे प्रभु तक पहुंचती है, और जो भी भक्त नंदी जी के कान में कुछ कहता है वो संवाद भी सीधे प्रभु तक पहुंच जाता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भक्ति की एकाग्रता से यदि भक्त के नेत्रों में मात्र उसके प्रभु की छवि हो और उसके मन में अपने लक्ष्य पर पहुंचने की प्रतिबद्धता हो तो कुछ भी प्रभु पद भी असाध्य नहीं। आप सर्वथा उचित कहते हैं गौरी पुत्र, और मैंने ये अनेकों बार प्रमाणित किया है। एकाग्रता के सर्वोच्च उदाहरण नंदी जी नहीं मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी भक्ति से प्रभु शिव शंकर शंभू को अनेकों बार प्रसन्न किया है, और इसके साक्षी तो आप भी हैं गौरी पुत्र। जो आज तक संसार में कोई नहीं कर पाया वो मैंने किया है, अर्थात प्रभु के आत्मलिंग को मैंने प्राप्त किया है। इसलिए मुझसे अधिक एकाग्रता संसार में भला किस में हो सकती है। आप उचित कहते हैं लंकेश, किंतु सर्वप्रथम संसार को एकाग्रता का मार्ग दिखाने वाले तो नंदी जी ही थे, इसलिए आइए हम दोनों एक साथ उनकी स्तुति करें। संकोच मत कीजिए दशानन, क्योंकि शिव कथा कहने का पुण्य तो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप भक्ति और सम्मान के साथ महादेव के अवतार की स्तुति करेंगे। चतुर गणेशा। त्रयंबकम् सदाशिवम् नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठोर तप शिलाद ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जन्म भूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदिका दिया। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वो शिव जी जो प्रसन्न हुए। अधिक हो अपने लक्ष्य से मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। प्रणाम नंदेश्वर जी, हमें अपने भव्य दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लंकेश, अब आप भी नंदेश्वर जी को प्रणाम कर उनका आशीष प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार अपने आशीर्वाद से इन्होंने सूखी तप्त भूमि की प्यास बुझाई है, उसी प्रकार वो आप पर भी अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। मुझे जिसकी आशीष की आवश्यकता है, मुझे प्रभु से वो प्राप्त हो चुकी है, और उनका आत्मलिंग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लंकेश, आपने ही इनकी भव्य कथा मुझे सुनाई, और अब आप ही इनके भव्य रूप के दर्शन नहीं करना चाहते, इनकी ओर देख तक नहीं रहे हैं। ये तो इनका अपमान होगा, और इनके साथ साथ प्रभु महादेव का भी अपमान होगा, जिनके ये अवतार हैं। यदि मैं इन्हें देखूंगा तो मेरी हंसी उत्पन्न होगी, क्योंकि मुझे इनका वानर समान मुख स्मरण हो जाएगा, जो मैंने कैलाश में देखा था। ये क्या किसी वानर के समान उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिल्लाई फेंक रहे हो? बहुत हुई तुम्हारी ये क्रीड़ा, बहुत उछल लिए एक वानर के समान। लंकेश, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसके वश में आकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। दशानन, आप स्वयं अपने आराध्य के अवतार नंदेश्वर महाराज का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये आपका भ्रम है गौरी पुत्र, कि नंदेश्वर प्रभु के अवतार है, इसलिए ये स्वयं भी ईश्वर समान ही है। भोलेनाथ हैं मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु, उनके भोलेपन का लाभ उठाकर आपने ये उपाधि प्राप्त की है, और मेरे प्रभु तो साधारण भक्ति का भी बड़ा फल प्रदान कर देते हैं। चंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने उनका उद्धार करने हेतु चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण कर लिया। भागीरथ से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया, और प्रभु तो किसी पर भी अपनी कृपा करने से नहीं रुकते, जिसका उदाहरण आपके समक्ष है। प्रतीत होता है जैसे तुम स्वयं अपने उदाहरण का उल्लेख कर रहे हो, क्योंकि भोलेनाथ का लाभ तो तुमने उठाया है, उनसे उनके आत्मलिंग को प्राप्त कर। अपनी योग्यता से प्राप्त किया है मैंने प्रभु के आत्मलिंग को, और अब इन्हें लंका ले जाकर ही स्थापित करूंगा मैं। शिव धाम का तथ्य परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प्रभु शिव शंकर शंभु कैलाश का त्याग कर लंका में निवास करेंगे। तब आप वही उनके द्वारपाल बने रहना नंदेश्वर जी। तुम्हारा कपट तो तुम्हारे भाव से स्पष्ट है, जिसने तुम्हारी भक्ति को भी दूषित कर दिया है। जिस उद्दंडता के साथ तुम महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने का प्रयास कर रहे हो, क्या तुम उसमें कभी सफल हो पाओगे? कौन रोकेगा मुझे? आप? हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें।
कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है लंकेश, समस्त देवता अपनी सामूहिक शक्ति का प्रयोग करके भी मुझे मेरे स्थान से हटाने में असमर्थ थे। स्वयं प्रभु महादेव का भार उठाता हूँ मैं, तुम्हें तो बड़ी सरलता से रोक दूंगा। आपकी शक्ति से भयभीत नहीं है ये लंकेश रावण, क्योंकि मैंने कैलाश को उठाकर अपना सामर्थ्य प्रमाणित किया है। इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं लंकेश दशानन रावण हूँ। प्रभु महादेव के महाभक्त एवं उनके ही अवतार के मध्य युद्ध छिड़ गया तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। कभी कभी एक महाज्ञानी भी नेत्रों पर पड़े अहंकार के आवरण के कारण वो सब कुछ नहीं देख पाता जो एक सहृदय वाला अज्ञानी मनुष्य देख लेता है। हफ्ते देखिए महादेव के भैरव एवं वीरभद्र अवतार की कथा श्री विघ्नहर्ता गणेश में।